हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जौनपुर के इतिहास और इनके गरिमाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध शाही किला और जामा मस्जिद, अन्य ऐतिहासिक जगह, पुरानी इमारतें हैं। भारत के खूबसूरत राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक शहर और प्राचीन स्थानों की खान है। धार्मिक और प्राचीन नगरी उत्तर प्रदेश में अनगिनत जगहें हैं जो कि अतीत में अपने गौरवशाली किलों, मंदिरों, मस्जिदों के रूप में स्मारकों की उपस्थिति को दर्शाता है। जब भी बात भारत के इतिहास की होती है तो यहाँ के प्राचीन इमारतों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्थानों में से एक है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उस दौरान इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। अगर अभी की बात की जाए तो जौनपुर भारत के आर्थिक विकास से अछूता है। हालांकि घूमने के लिए यहां के कई ऐतिहासिक और धार्मिक जगह हैं जहां पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। तो आइए जानते हैं जौनपुर के ऐतिहासिक स्थानों के बारे में। शाही किला को केरार किला के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। सबसे पहले इस किले को एक टीले पर बनाया गया था। गोमती नदी पर बने शाही पुल के पास स्थित इस किले का निर्माण में इस्तेमाल की गई ज़्यादातर सामग्री कन्नौजी के राठौर राजा के समय के ऐतिहासिक स्थलों की है। जौनपुर से 2 किलोमीटर दूर यह किला शहर का प्रमुख आकर्षण है। मुगल पुल, अकबरी पुल और मुनीम खान पुल के नाम से मशहूर इस पुल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में हुआ था, जिनका अस्तित्व आज भी बचा हुआ है। कभी कभी स्थानीय और कई पर्यटकों के बीच जौनपुर शाही ब्रिज शहर के नाम से भी जाना जाता है, भले ही यह 1934 के भूकंप के दौरान आंशिक रूप से ध्वस्त हो गया, फिर इसका इस्तेमाल यातायात के लिए किया जा रहा है। शाही ब्रिज गोमती नदी पर बनाया गया है। जौनपुर में एक ऐतिहासिक स्थान है, पुल से इतर इस पर खंभों पर टिकी अष्टभुजीय आकार के गुंबजदार छतरी भी बनी हुई है। इस छतरी में लोग खुद को पुल पर दौड़ती वाहनों से सुरक्षित रखकर नदी की बहती धाराओं का विहंगम नजारा देखते हैं। गोमती नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले में माधव टांडा के पास होता है। इस नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक है। यह वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्मत्री वशिष्ठ की पुत्री है तथा एकादशी को इस नदी में स्नान करने से संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। हिंदू ग्रंथ भगवत गीता के अनुसार गोमती भारत की उन पवित्र नदियों में से है जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने भी अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार इसी पवित्र पावन आदि गंगा गोमती नदी में स्नान किया था एवं अपनी धनुष को भी यही धोया था। लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ स्नान करता है उसके सभी पाप आदि गंगा गोमती नदी में धुल जाते हैं। जिस वक्त दिल्ली सल्तनत के सुल्तान देश के अधिकांश भाग पर शासन कर रहे थे उस समय भी कई स्वतंत्र राज्य देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान थे। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने से कई दूसरे राज्य भी अस्तित्व में आ गए। जौनपुर की स्थापना तुगलक वंश के फिरोज ने अपने चचेरे भाई एवं संरक्षक मोहम्मद जौन की स्मृति चिर अस्थायी करने के लिए की थी। तैमूर के आक्रमण के बाद की फैली हुई गड़बड़ी के युग में ख्वाजा जहां ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग कर अपनी उपाधि मलिक उस सर के नाम पर जौनपुर में सर की वंश नामक स्वतंत्र शासकों का एक वंश स्थापित किया था। 1399 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके दत्तक पुत्र मलिक
करण पुल को उसकी गद्दी मिली, जिसने मुबारक शाह सकी की उपाधि धारण की। अल्पकालीन शासन के बाद 1402 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई। उनका अनुज इब्राहिम शाह सरकी उसका उत्तराधिकारी बना। इब्राहिम ने लगभग 34 वर्षों तक राज्य किया। वह सरकी वंश का सबसे योग्य शासक था। 1436 ईस्वी में इब्राहिम की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र महमूद शाह आया। नए राजा ने चुनार जिले की अधिकांश भाग को अपने राज में मिला लिया, पर कालबी के विरुद्ध उसका आक्रमण असफल सिद्ध हुआ। दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयत्न करने पर वह बहलोल लोदी द्वारा पराजित हुआ। बहलोल लोदी ने उसे जौनपुर लौटने को विवश किया। 1457 में मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र भीखन मोहम्मद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, पर इस राजा के सिद्धांत शून्य आचरण से सरदार एवं उसके अपने संबंधी बहुत चिढ़ गए तथा उसकी हत्या करवाकर उसके भाई हुसैन शाह को गद्दी पर बैठाया। सिंहासन पर बैठने के शीघ्र बाद हुसैन शाह ने 1458 ईस्वी में दिल्ली के बहलोल लोदी के साथ एक चतुर्वर्षीय विराम संधि की। इस समय का उपयोग उसने तिरहुत के स्वतंत्र जमींदारों का समन करने तथा उड़ीसा पर एक लूटपूर्ण आक्रमण करने में किया। उड़ीसा के राजा ने एक विशाल धनराशि देकर उससे छुट्टी पाई। बताया जाता है कि बहुत पहले यहाँ पे अटला देवी का मंदिर था, उसी के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम है अटला मस्जिद। जानते हैं इसके बारे में और भी। अटला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित एक मस्जिद है। अटला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। अटला मस्जिद जौनपुर वास्तुकला का उत्तम नमूना है। मस्जिद के सबसे प्रमुख विशेषता इसके अग्रभाग में उठा हुआ प्रधाना कक्ष है। इसमें मीनारें नहीं हैं जो समान रूप से मस्जिदों में होती हैं। मस्जिद के 3 तोरण द्वार हैं जिसमें सुंदर सजावट की गई है। बीच के तोरण द्वार सबसे ऊंचा है। इसकी लंबाई लगभग 30 मीटर है। लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों के अलावा भी जौनपुर में देखने के लिए बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए शाही किला, ख्वाबगाह, दरगाह चिश्ती, जहांगीरी मस्जिद, अकबरी ब्रिज और सरकी सुल्तानों के मकबरे प्रमुख है। सई गोमती संगम, सई संगम स्थित विजयपुर ग्राम में बने नदिया के पार फिल्म की शूटिंग स्थल भी है। हेलो दोस्तों, मेरे जितने भी प्यारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो वीडियो ने अच्छी लग रही है तो कम से कम कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमें अपने उत्तर प्रदेश की सभी वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जौनपुर का निकटतम एयरपोर्ट वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जिसे बाबतपुर एयरपोर्ट कहा जाता है, जो यहां से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट राष्ट्रीय मार्ग संख्या 56 पर है और यात्रा में औसतन 45 मिनट का समय लगता है। जौनपुर शहर आसपास के अनेक शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर आदि शहरों से जौनपुर के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। जौनपुर में 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जौनपुर जंक्शन, दूसरा है जौनपुर सिटी स्टेशन। जौनपुर का रेलवे स्टेशन लखनऊ, वाराणसी और मुगलसराय रेल लाइन पर पड़ता है। गंगा यमुना एक्सप्रेस, वरुणा एक्सप्रेस और श्रमजीवी एक्सप्रेस, सद्भावना। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में अपने परिचय जरूर भेजें। जय हिंद।